हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की स्वादिष्ट चटनी। ये देखिए, लहसुन की चटनी भोजन में चार चांद लगा देती है। इसके लिए हमने 100 ग्राम लहसुन लिया है, उसको अच्छी तरह छील लिया है। और इसकी चटनी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। आधा चम्मच साबुत मेथी और 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक काम में लेंगे, और 1 चम्मच साबुत धनिया है, और आज कड़ी पत्ता काम में लेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। और 2 सौंफ, 2 लौंग और सरसों का तेल काम में लेंगे। तेल अपनी आवश्यकता अनुसार आप काम में ले सकते हैं। और 2 इलायची काम में लेंगे। और आज लहसुन की चटनी बनाने के लिए दही काम में लेंगे दोस्तों। लहसुन को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और दही, इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ढक्कन हटा के देखते हैं, लहसुन को ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है। गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, लौंग और इलायची को दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसको दरदरा कूट लेंगे। थोड़ा कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मेथी डालेंगे, इसके बाद धनिया और लौंग इलायची डालेंगे, इसके बाद कड़ी पत्ता। ये देखिए, कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा चटनी का दोस्तों। अब इसमें मिसावा पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी। राजस्थान चटनी है, इसे आप अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। राजस्थान में इस प्रकार की चटनी बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं। इसे आप बाजरी रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ में खा सकते हैं। और थोड़ा हल्दी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से चम्मच को चलाते रहें, और गैस का फ्लेम है तो मीडियम रखेंगे। अच्छी खुशबूदार चटनी बनेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लहसुन की चटनी है जो तेल छोड़ने लगी है। बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी दोस्तों, और ये पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में सहायक होती है। अपने खाने में लहसुन की चटनी को जरूर शामिल करें, ये स्वास्थ्यवर्धक है। चटनी बनने में 1-2 मिनट और लगेंगे। धीरे धीरे चम्मच को इस प्रकार से चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी चटनी बनने वाली है, और आप ये अपने किचन में आसानी से इसे कुछ मिनटों में तैयार कर सकते हैं दोस्तों। चटनी बनकर तैयार है, अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर बाउल में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। अब आप इसे रोटी, परांठे या पूड़ी के साथ में खा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, लहसुन की चटनी बनाने की ये विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अच्छा, धन्यवाद।